आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। उसके लिए हमने क्या किया है कि हाफ के जी चिकन लेके उसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी है, 1 बड़ी प्याज काट के डाल दी है, 5 हरी मिर्चें और नमक हसबे जायका डाला है, और मिर्च जो है वो हमने लाल मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च कुटी हुई हमने इसमें डाली है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें खुश्क धनिया डाला है। उसके अलावा हमने 1 पिंच जो है एक चुटकी काली मिर्च डाली है, और 1 ही चुटकी हमने इसमें गरम मसाला डाला है, और 2 ग्लास पानी डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तब तक पकाएंगे हल्की आंच पे जब तक ये चिकन गल नहीं जाता और पानी तकरीबन 95% गल नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि बोनलेस चिकन ली है और उसकी बोटियां डाल दी हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि रेशे, इससे क्या होगा, रेशे वाले शामी कबाब बनेंगे। कुछ लोगों को रेशे वाले शामी कबाब नहीं पसंद, तो वो क्या करेंगे, इसमें चिकन की बोटियों की बजाय चिकन का कीमा डाल देंगे। ये मैंने चने की दाल ली थी, जितना चिकन था मेरे पास उतनी मैंने दाल ली है और मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी, ये तकरीबन 95% इसका पानी ड्राई हो चुका है, सिर्फ 5% रहता है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से तब तक इसको एक एक साथ पकाऊंगी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा, मैंने क्या किया है कि एक टिप देना चाहूंगी आपको कि जब भी आप चने की दाल को उबालें तो उसमें क्या करें, आप धोते वक्त हाथ ना डालें, और जब उसको बॉईल करें तो उसमें कोई भी चम्मच मत हिलाएं। अगर आप उसमें चम्मच हिलाएंगे या धोते वक्त उसमें हाथ का यूज़ करेंगे, ठीक है, हाथ डालेंगे तो वो दाल गलेगी नहीं। इस तरह आपकी 15 मिनट में आराम से दाल गल जाएगी, ठीक है। ये मेरा मसाला जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको चॉपर में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मसाला मैंने चॉपर में डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस मसाले में एक अंडा डाल दूंगी, ठीक है। एक अंडा डाल के इसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी कि ये सारा मसाला और अंडा जो है आपस में यकजान हो जाए। ये मसाला हमारा चॉप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बोल में निकालेंगे, और कबाब का मसाला अच्छे से चॉप हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। ये शामी हमने रेडी कर ली है, मसाले को शेप दे दी है शामी में। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ एक पैन में मैंने ऑयल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस ऑयल को गर्म कर लिया, ठीक है। अब मैं एक एक करके इसमें ये शामी डालती जाऊँगी। अच्छा, एक टिप देनी थी आपको कि मैंने इसके अंदर अंडा डाला था, तो मैं ऊपर इसके अंडा नहीं लगाऊंगी। अब ये ना ही टूटेंगे और ना ही इनका कलर ख़राब होगा, ना ही टेस्ट इनका ख़राब होगा। खूबसूरत भी लगेंगे और बहुत मज़े के और जुड़े जुड़े भी रहेंगे, ठीक है। अब ये शामी मैं डालती जाऊंगी एक एक करके, और इनको दोनों साइड से ब्राउन कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी, ठीक, लाइट ब्राउन। हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने अच्छी लुक आ रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आप बेल का आइकॉन दबा दें।